एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बीआरएस क्वेश्चन नंबर 7। केस सेम है, क्या है केस? बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, हमें किसका निकालना होगा? पासबुक का। तो बैलेंस कौन सा है? ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डिटेल्स अमाउंट कर रहे हैं आप, अमाउंट के कॉलम में सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमें निकालना है पासबुक का बैलेंस। तो सारी ट्रांजैक्शंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे। 2860 एंटर्ड इन द कैश बुक एज पेड इन टू द बैंक। पेड इन टू द बैंक मतलब डिपॉजिटेड। पेड इन टू द बैंक मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल द फॉलोइंग डे। चेक्स डिपॉजिटेड, मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट येट क्लियर्ड। तो बैंक में कम है, माइनस हो जाएगा। कोई डाउट? बाद में चेंज करेंगे, प्लीज बाद में चेंज करेंगे। हमें कहीं सबमिट करना है, बाद में चेंज करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना प्लीज। हाँ, कोई ट्रांजैक्शन समझ नहीं आए उसी टाइम डिस्कस कर लो। ओके, मेरे नाक पे कुछ लगा तो नहीं हुआ? ठीक। बैंक चार्जेस ऑफ 70 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो बैंक में से पैसे कट गए, माइनस कर दो। अब बिल फॉर 5500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज एंटर्ड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस। जब आपने बिल डिस्काउंट कराया तो बैंक ने कुछ कमीशन चार्ज करी 270 रुपीज की, तो आपको बैंक ने सिर्फ 5230 रुपीज दिए थे कमीशन काट के। तो बैंक में तो उतने पैसे आए हैं, कैश बुक में गलती से आपने पूरे 5500 डिपॉजिट दिखा रखा है। तो बैंक में कम डिपॉजिट्स दिखा रखे हैं, तो बैंक का बैलेंस कम होगा। कितना कम होगा? 270। माइनस कर देंगे 270 कैश बुक में। बिल पेपर हम कैसे डिस्काउंट करा सकते हैं? हमारे पास जो बिल पड़ा हुआ है हम उसी को तो जाके, ये थोड़ा ना कि मैंने किसी और के पैसे देने हैं और मैं कहा कि मैंने उसके पैसे देने हैं, आप मुझे अभी दे दो। नो, हमारे पास बिल पड़ा हुआ है, हम मैंने आपसे पैसे लेने हैं, और मेरे पास बिल पड़ा हुआ है कि 3 महीने बाद मैंने आपसे पैसे लेने हैं। तो वो बिल रिसीवेबल है, मैं बैंक के पास जाता हूँ कि मुझे पैसों की अभी जरूरत है, ये बिल आप रख लो और मुझे पैसे दे दो। तो बिल रिसीवेबल ही डिस्काउंट करा सकते हैं। कोई डाउट? क्लियर? ठीक। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग बट इजी। चेक्स टोटलिंग 16720 वर इशूड बाय द कंपनी एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। चेक इशू करे, कैश बुक में से तो पैसे कट चुके हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट, इजी। चेक्स इशूड नॉट येट प्रेजेंटेड, बैंक में अभी पैसे कटे ही नहीं, तो बैंक में अभी ज्यादा है। कोई डाउट? यहाँ पे लिखा है नॉट एट मैंने कुछ नहीं लिखा। इंग्लिश में लिखा है हाँ, नॉट प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट अंटिल आफ्टर दैट डेट, उस दिन तक है तो हमें पता ही नहीं वो इसको। बता रहे हैं कि कैश बुक में से तो पैसे कट गए हैं, बट इस दिन तक, जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हो, पैसे अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। ओके, कोई डाउट? तो पैसे कटे ही नहीं बैंक से। ऑन 25 मार्च अ डेटर पेड डायरेक्टली इन द बैंक। बहुत खुशी की बात है, तो बैंक में ज्यादा है, ऐड हो जाएगा। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड डिसऑनर ऑन 15 मार्च, अ चेक ऑफ ₹550 रिसीव फ्रॉम राम बाबू। नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर। चेक डिसऑनर हुआ, बैंक में से तो पैसे कट गए, बट कैश बुक में ऐसी कोई एंट्री है नहीं, तो बैंक में पैसे कम होंगे। कोई भी डाउट? तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो प्लस मतलब आप ऐड कर देंगे और माइनस मतलब लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट? कर ले वेरीफाई, कर लेते हैं वेरीफाई। 2365 2360 माइनस 2860 माइनस 70 माइनस 270 प्लस 16270 और 1720, 720 प्लस 1000 माइनस 550, 37620। तो सही है सारी बातें, मुबारक हो। क्या था ये क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ बीआरएस?